दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं बूम मोटर्स की तरफ से आने वाले दो इलेक्ट्रिक मोपेड के बारे में। मोपेड के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि बूम मोटर क्या है। तो बताना चाहता हूं कि बूम मोटर एक ईवी बेस्ड कंपनी है जो कि इंडियन कंपनी है और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर वर्क कर रही है। अभी रिसेंटली इन्होंने अपने दो इलेक्ट्रिक मोपेड लॉन्च किए हैं जिसका नाम कॉर्बेट 14 और कॉर्बेट 14 EX है। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे YouTube चैनल स्मोकिंग व्हील्स पे। और दोस्तों बताना चाहता हूं कि जब हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही आता है कि उसकी रेंज क्या होगी, चार्ज कैसे करेंगे, क्या फीचर्स इसमें आएंगे। तो आपको जैसा कि पता है कि अभी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो उसकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो बूम मोटर ने भी अपना एक दो इलेक्ट्रिक मोपेड लॉन्च किए हैं। मोपेड का ज़्यादातर जो यूज़ होता है, आपको याद होगा कि जो TVS की सुपर एक्सल आती है, हैवी ड्यूटी इसका यूज़ होता है, उसका जो यूज़ करते हैं हमारे भाई बंधु या हम आप यूज़ करते हैं, ज़्यादातर उसका यूज़ जो होता है वो लोड कैरी करने के लिए होता है। पर्सनल यूज़ में भी हम लेते हैं और जो हमारे भाई बंधु सेल्स का काम करते हैं, जो किराना वगैरह की दुकानों पर अपने सामान की डिलीवरी करते हैं, वहाँ पर भी उसका यूज़ कर लेते हैं। बट वो पेट्रोल गाड़ी है और उसमें आपको हर महीने 2.5 से 3 हज़ार रुपये तक का पेट्रोल आपको यूज हो जाता है अगर आप उसको सिटी ड्राइव करते हैं। तो बूम मोटर ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इलेक्ट्रिक मोपेड लॉन्च किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी को आप EMI पे भी परचेज कर सकते हैं। जब भी हम कोई गाड़ी परचेज करते हैं तो हमें एक पूरा अमाउंट देना पड़ता है, चाहे वो 60,000 की बाइक हो, चाहे 70,000 की हो, चाहे 1,00,000 की हो। तो अगर आपके पास इतना लंबा बजट नहीं है और आप एक मोपेड लेना चाहते हैं तो इस मोपेड को आप सिर्फ 1699 रुपये देकर के इस गाड़ी को आप परचेज कर सकते हैं। यानी कि 1699 रुपये की एक छोटी सी EMI आपको 5 सालों तक देनी होगी और आपकी गाड़ी आपके पास आ जाएगी। तो हमारा एक लंबा जो अमाउंट है, जो बजट है, वो भी हमारा बच जाएगा और एक छोटे अमाउंट पे 1700 रुपये के महीने के EMI पे हमें ये गाड़ी मिल जाएगी। तो ये तो हुई इनके EMI ऑप्शन की बात। और अगर हम बात करें कि जो दोनों मोपेड इन्होंने लॉन्च किया है, कॉर्बेट और कॉर्बेट 14 और कॉर्बेट 14 EX, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, तो कोई फीचर्स में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इन दोनों के परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। जो 14 मॉडल इनका है वो इनका बेस मॉडल है और जो 14 EX है वो थोड़ा सा, इसको आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपग्रेडेड मॉडल है। तो इनके फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कॉर्बेट 14 की बात कर लेते हैं। तो कॉर्बेट 14 में जो हमारा मोटर है वो 3 kW का मोटर देखने को मिलेगा। इसकी जो टॉप स्पीड होगी वो 65 किलोमीटर की होगी और इसमें आपको जो लिथियम आयन बैटरी मिलेगी उसकी जो कैपेसिटी होगी वो 2.3 kW तक की इसमें आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी। अब अगर बात करें इससे हमें रेंज कितना मिलेगा, तो कॉर्बेट 14 से आपको 100 किलोमीटर तक का रेंज देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कॉर्बेट 14 EX के बारे में। तो कॉर्बेट 14 EX, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये इसका अपग्रेडेड मॉडल है, यानी कि दूसरा मॉडल जो है ये टॉप मॉडल आप बोल सकते हैं। तो इसमें आपको 4 kW का मोटर देखने को मिलेगा, 75 किलोमीटर तक की इसमें आपको टॉप स्पीड मिल जाएगी। इसकी जो बैटरी है वो 4.6 kWh तक की बैटरी देखने को मिलेगी इसमें आपको। और इसकी जो रेंज है वो आपकी जस्ट डबल हो जाती है, यानी कि लगभग 200 किलोमीटर तक का इससे आपको रेंज मिल जाएगा। और चार्जिंग टाइम की बात करें तो 4 घंटे में इस दोनों बाइक को आप चार्ज कर सकते हैं, दोनों की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि दोनों मोपेड में आपको रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो दोनों गाड़ियों में आपको 14 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। फ्रंट और रियर दोनों जगह आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। इसकी जो चेसी है उस पर कंपनी आपको 7 साल तक की वारंटी देती है, यानी कि काफ़ी रफ एंड टफ इसका फ्रेम है। 30 लीटर तक का इसमें आपको अंडर स्टोरेज स्पेस मिलता है। सारे स्मार्ट फीचर देखने को मिल जाते हैं, जो भी इसमें GPS, जियो फेंसिंग या अदर नॉर्मल जो स्मार्ट फीचर्स आते हैं वो सारे के सारे इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो लाइट का सेटअप है, चाहे वो फ्रंट लाइट हो चाहे बैक लाइट हो, सारे के सारे आपको LED सेटअप देखने को मिलेंगे। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, इसका प्राइस कितना होने वाला है। तो जो कॉर्बेट 14 है वो 87,000 का है और कॉर्बेट 14 जो EX है वो 1,20,000 रुपये तक का है। और 499 रुपये देकर के इस गाड़ी को आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बूम मोटर्स के ये दोनों इलेक्ट्रिक मोपेड आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद। वंदे मातरम।